बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, ये जो इशू आ रहा है अभी, ये जो चल रहा है इशू वगैरह, जैसे ही आप लोग जो फाइल क्लेम करने के लिए आपका अकाउंट हैक हो जाता या स्कैम हो जाता है, जो भी या थर्ड ईमेल फ़ोन नंबर आप लोगों ने रिमूव करने होते हैं वो कर रहे होते हैं, और लिंक जो वॉश करने हों तभी आप लोग करते हो, फॉर्म फिल करना होता है। तो जैसे ही आप लोग अपनी UID जो इंटर करते हो, तो अभी इंटर करते मीन के वो अकाउंट रिकवरी जो ऑप्शन वगैरह उस पर जैसे क्लिक करते हो, अभी टर्म एंड कंडीशन जो उस पर क्लिक भी नहीं किया होता, ऐसा इशू आ जाता है। ये देख लिए, पहले मैं दिखा भी देता हूँ, क्लीन डाटा एरर, प्लीज़ रीस्टार्ट द गेम। अभी वापस चलते हैं, बैक चलते हैं, अगेन आते हैं इधर, ये देख लें, जैसे आप लोगों ने हेल्प पे क्लिक करनी है, अकाउंट रिकवरी जो आ जाएगा, ये ऐसा फॉर्म जो आप लोगों के सामने इंटरफेस आ जाएगा, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म लॉगिन इशू जो है इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, अकाउंट रिकवरी जो है ना इस पर आप लोगों ने क्लिक करनी है। जैसे इस पर क्लिक करनी है तो ये देख लें, अभी ऐसा ये देख लिया आ गया ना ऑटोमेटिकली, ये नोट्स आ जाता है, एरर आ जाता है, क्लीन डाटा एरर, प्लीज़ रीस्टार्ट द गेम। आप लोग रीस्टार्ट भी करते हैं गेम, डाटा जो है नेटवर्क जो आप लोग वाईफाई यूज़ कर रहे हैं या डाटा वो भी रिफ्रेश करते हैं, फिर भी जो आपका नेटवर्क जो है वो भी इशू नहीं है, फिर भी ये सॉल्व नहीं होती। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत छोटा सा मीन के सोल्यूशन है, वो आज मैं आप लोगों को बताना। आप लोगों ने सिंपली बैक चले जाना, बैक जाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपनी जो पबजी की आईडी होगी ना, जो भी आपके पास है, वो पहले आप लोगों ने लॉगिन कर लेनी है। वो जैसे ही लॉगिन हो जाएगी आप लोगों ने वेट करना है, वेट करते हैं, लॉगिन होने देते हैं, सही है। तो ऐसे जो आपकी आईडी है पबजी की, वो लॉगिन होना स्टार्ट हो जाएगी, वेट करना आप लोगों ने। तो जैसे ही आपकी आईडी ऑन हो जाएगी आप लोगों ने सिंपली उसमें सेटिंग में आने के बाद आप लोगों ने लॉग आउट कर देनी है। जैसे ये ऑन होगी, मैंने लॉग आउट कर दी, लॉग आउट कर दी, अभी ये देखनी आईडी आप लोगों के सामने लॉग आउट हो गई है। तो अभी आप लोगों को वेट करते हैं थोड़ा, ये देख लें लॉगिन पेज पे आ गए हैं। अभी अगेन जो आप लोगों ने सिंपली अगेन क्या करना है, हेल्प जो नज़र आ रही है आप लोगों को, ये हेल्प, इस पे आप लोगों ने अगेन क्लिक करना है। जैसे ही हेल्प पे क्लिक करते हैं, क्लिक ऑन हेल्प, वेट करना आप लोगों ने, ये जो इशू आ रहा है ये मेन के, ये देखना आप लोगों के सामने सॉल्व होगा। आप लोगों ने अगेन जो थर्ड पार्टी लॉगिन इशू, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे करते हैं, बेशुमार वीडियो पड़ी हुई है वो देखें, सेम करें आप लोगों ने इस पर, जैसे इस पर क्लिक करते हो, कहीं भी क्लिक कर देना आप लोगों ने ऐसे, इसके ऊपर वेट करना। जैसे ये देख लें आ गया, आई हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन। पहले ऐसे ही जैसे इस पे ऐसे इंटरफेस आता था ना, जैसे इधर आते थे तो वो आ जाता था क्लिंट डाटा एरर, लेकिन अभी नहीं आया, इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, अपनी आईडी ऑन करनी है सिर्फ। जैसे ही अपनी आईडी ऑन करनी है, इस पर टिक लगाना, ये जो सर्कल किया, जैसे इस पर क्लिक मीन के टिक लगा दिया, फिर आप लोगों ने नेक्स्ट जो है इस पर क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये देख लिया आप लोगों के सामने आ गया UID इंटरफेस। आप लोगों ने इधर अपनी UID जो आप मीन के आपका अकाउंट हैक हो गया, स्कैम हो गया, जिसके आप वॉश करना चाह रहे हैं, लिंक वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लास्ट पेपर ही होगी, वो देख लेना, सेम करना है आप लोगों ने, फॉर्म फिल करना, अपना अकाउंट आपका रिकवर हो जाएगा। ये मैंने UID जो वो इंटर कर दी, आप लोगों ने भी इधर अपनी UID इंटर कर देनी है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आप लोग स्लाइड करके इसके ऊपर फिट कर देना, स्लाइड करके इसके ऊपर फिट कर देना। जैसे फिट कर दोगे ये फॉर्म आ जाएगा, प्रॉब्लम होगी आपकी सॉल्व। ऐसे आप लोगों को अगर क्लीन डाटा एरर की प्रॉब्लम आ रही हो, ऐसे सिर्फ आप लोगों ने कोई भी अपनी जो भी पबजी की आईडी होगी वो आप लोगों ने ऑन करनी है, अपनी पबजी की आईडी जैसे ही ऑन करनी है, बाद में आप लोगों ने उसी वक्त लॉग आउट कर देनी है, और आप लोगों ने सेम हेल्प पे जाके ऐसे सेम करना जैसे मैंने किया, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सही है। तो यही बताना था आप लोगों को, तो वीडियो करते हैं इधर ही एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, ओके, अल्लाह हाफिज़।